तो मेरे फोन पे अजान की आवाज, अजान हो चुकी है मगरिब की। अभी ऐसा व्यू हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से पहले जो राइड में हेलमेट यूज हो रहा था वो ये वाला हेलमेट था। ये AGV स्पोर्ट्स मॉड्यूलर है, बहुत अच्छा हेलमेट है, लाइट वेट है। लेकिन इस हेलमेट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये हेलमेट साइलेंट नहीं है। इसमें हवा अंदर जाती रहती है और बहुत ज्यादा हवा अंदर आती है। मोटर व्लॉगिंग में ये चल सकता है, एडवेंचर बाइक पे ये चल सकता है, स्लो स्पीड में ये चल सकता है, लेकिन हमारी हार्ली बाइक पे हम स्लो स्पीड चला नहीं सकते। दैट्स अ पावरफुल बाइक, तो उसके लिए हमें एक पावरफुल हेलमेट चाहिए। फिर से AGV पिस्ता GP और इस पे हमने अभी सेटअप दिया है GoPro का। आज का जो मोटो व्लॉग होगा वो कुछ इस तरह से शूट होगा। GoPro वैसे सीधा लगाना होता है, लेकिन इस पे मैंने उल्टा लगा दिया है, क्योंकि अगर मैं सीधा लगाऊंगा तो ये काफी ऊपर हो जाता है और फिर ये वाइजर खुल नहीं पाता। हर हेलमेट की एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें हवा बहुत कम जाती है यार, तो पसीने से लगने वाली वाट साउंड क्वालिटी में फर्क आया तो बताने का। तुम लोगों के कॉमेंट्स भी आते रहते हैं कि आफ्ताब भाई आप सेफ्टी क्यों नहीं पहनते, जैकेट क्यों नहीं पहनते। तो जैकेट कहाँ से पहनूं यार, बाहर टेम्परेचर होता है अभी 35-34 है, 40 प्लस होते हैं। तो 40 प्लस टेम्परेचर में अगर मैं जैकेट पहनूंगा तो मैं राइड को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा तो फिर राइड का फायदा क्या। लास्ट वाले वीडियो में जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी उसमें से आज हम दो चीजें यूज करेंगे। एक तो ये चाबी, हार्ले की चाबी कितनी छोटी है ये चेक कर लो तुम लोग। तो इसके साथ हमने एक्रा पोविच का लगा दिया है कीचेन, तो और दूसरा आज जो यूज होंगे वो ये ग्लव्स। आज ब्लैक टी शर्ट, यार ब्लैक टी शर्ट मुझे अच्छी लगती है, दिखने में पता नहीं कैसी लगती है लेकिन मुझे पहनने में अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल टी शर्ट है। और पैंट हमारी वही पाकिस्तान के ट्रिप वाली पैंट जो कि पूरे पाकिस्तान के ट्रिप पे यूज हुई थी। तो ये पैंट और ये टी शर्ट आज से मेरी राइडिंग पैंट और शर्ट है। तो जब भी आप हमें राइडिंग करते हुए देखेंगे गर्मियों में यही आपको नजर आएगी। इसको साफ वगैरह किया है मैंने, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ कचरा वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे पानी से साफ होगी, वॉश ही करनी पड़ेगी। तो वॉश भी करेंगे क्योंकि लास्ट राइड काफी लॉन्ग हो गई थी। और आज हम अपनी बाइक पे ये बैग भी यूज करेंगे, बैग हमने इंस्टॉल कर दी है। और ये हमारा सबसे महंगे वाला जो पार्ट है बाइक पे, एक्रा पोविच। इधर हो गया एक्रा पोविच एग्जॉस्ट, इधर हो गया एक्रा पोविच का कीचेन। घर से निकले हुए मुझे 40-50 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैंने कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था यार। मैंने जहाँ पहुँचना है उस जगह में हमें जल्दी पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि वापस 8 बजे हमें घर पहुँचना पड़ेगा। तो 8 से अगर हम लेट हो जाएंगे तो मसला हो जाएगा। आज रोड में ट्रैफिक भी कम है, बस कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए फिर से यार, तो इस वजह से कोई निकलता नहीं है बाहर। जब मैं घर से निकला था ग्लव्स पहने हुए थे, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी यार, मेरे हाथों में पसीना आ गया था, तो इस वजह से मैंने ग्लव्स उतार दिए वापस। और यहाँ पे क्या मस्त वाले दरख्त है यार, ये पूरा गार्डन बना हुआ है रोड के साथ में। ये रोड्स हमें लेके जाएंगे कुरम हाइट्स, मतलब कुरम हमारे लेफ्ट में होगा और हम उसके हाइट्स के ऊपर होंगे। मेरे जो ग्लव्स हैं वो मैंने इस बैग में डाल दिए हैं, और मुझे डाउट है कि वो गिर ना जाए यार। वो ग्लव्स मेरे को इस बैग में डालने हैं, अभी खड़ी करूंगा बाइक फिर डालूंगा। इस छांव में जब हम घुसते हैं ना, ये इन पहाड़ों की छांव है, तो यहाँ पे एक मस्त वाली ठंड होती है हर वक्त, इवन गर्मियों में भी, क्योंकि यहाँ पे धूप आती ही नहीं है। यहाँ पे धूप तब आती है जब सूरज ऊपर से गुजर रहा होता है। तो ये है वो शेल पेट्रोल पंप जहाँ से हमारी, मेरी और सफीर की राइड शुरू होती थी, और भी हमारे काफी सारे दोस्त थे, हम यहीं से राइड शुरू करते थे। क्या दिन थे वो। सफीर भाई आपके पास बाइक नहीं है तो इसलिए मैं रुक नहीं रहा यहाँ पे। और रोड में दरख्त चेक करो, बस फूलों के दरख्त हैं, रेड रेड कलर के फूल हैं, पता नहीं कौन से दरख्त हैं। ये अभी यहाँ से कंतब रोड शुरू हो जाएगी, ये घोड़ा यहाँ पे रेडी खड़ा है। पहाड़ों के बीच में हमारी हार्ले डेविडसन नाइट रॉड स्पेशल, जिंदगी का मजा ले रहे हैं आज हम।
और ये हाइट आ गई यार, ये बहुत बड़े हाइट है यार। ओ शिट, खड्डा था। ओ ब्लाइंड स्पॉट। कमारो, न्यू मॉडल कैमरो। वेल, ये जगह तुम लोगों को याद होने चाहिए अगर तुम लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो। एक वीडियो है मेरे चैनल पे, चेसिंग ZX10R स्टॉप्ड बाय पुलिस। यहाँ पे पुलिस खड़ी थी, यहाँ पे हमें रोका गया था नंबर प्लेट की वजह से। जिंदगी में हमने जितने भी लेफ्ट टर्न लिए, सबसे बड़ा जो लेफ्ट टर्न है ना वो ये लेफ्ट टर्न है भाई। इससे बड़ा लेफ्ट टर्न मैंने नहीं देखा भाई। ये पूरी रोड मुड़ जाती है एक बार। यहाँ से लेफ्ट बता रहा है, इस रोड में मैं कभी नहीं आया। नेवर एवर। ये एक स्कूल है, ओमान के स्कूल, चेक कर लो भाई। अब इधर कौन सा व्यू पॉइंट होगा? अब मुझे लगता है आगे से हमने हाइट के ऊपर चढ़ना है, पता नहीं क्या है यार। यस, मैंने कहा था हाइट पे चढ़ना है, हाइट पे चढ़ना है, और ये हाइट कुछ ज्यादा ही हाइट है। हमारी बाइक क्या रही है, पहला गियर लगा लो, लगा हम दूसरे गियर में ही जाएंगे। आगे क्या गिर जाना नीचे? ये तो ऑफ रोड है भाई। ओह माय गॉड मैन, ये तो बड़े बड़े पत्थर हैं यार। बट अब आ गए हैं तो जाना तो पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं बंदर खेरान। अब ये बंदर खेरान व्यू पॉइंट है। अगर आपके पास एक जीप हो परफेक्ट वाली तो इन पहाड़ों में भी जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो वो ट्रैक्स बने हुए हैं ऑफ रोड गाड़ी के लिए। जीप हो, पेट्रोल हो, कोई भी हो, वो जाएगी। लेकिन हमारी बाइक नहीं जा सकती। अगर कोई हमारे पास एडवेंचर बाइक होती तो हम इन पहाड़ों के ऊपर भी जा सकते थे। मस्कत से इतना दूर नहीं है ये जगह, तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव है मस्कत से। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मुझे लगे 1 घंटा 40 मिनट शायद। ये बाइक कच्चे पे चलाने वाली है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रोड पे चलाने के लिए है। इवन यहाँ पे 2 मिनट का कच्चा था बस, बड़े बड़े पत्थर थे, और 2-3 बार ये ऐसे गिरते हुए बची है ना मेरे से। एक तो इसका वजन बहुत ज्यादा है, 250 किलो से ऊपर ही होगी शायद, उससे भी ज्यादा होगी मुझे तो लग रहा है। अगर ये गिर जाए तो मुझे पक्का यकीन है कि मुझसे उठाई नहीं जाएगी। बड़ी मुश्किल से उस कच्चे से अभी सांस चढ़ गई है मुझे, इसको कच्चे से निकाल के वापस रोड तक लाने में। इसको बस परफेक्ट वाली रोड चाहिए। रोड पे ये बाइक किसी BMW या फिर मर्सिडीज से कम नहीं है। अब इससे पहले जो तुम लोगों ने व्यू देखा है वो वहाँ पहाड़ के ऊपर थे हम लोग। बाइक वहीं पर रोड पे खड़ी कर दिया, हेलमेट भी छोड़ के आ गया हूँ। पता नहीं कोई उठा गया ना ले जाए यार, वैसे यहाँ पे कोई उठाता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा व्यू आ चुका है, और मेन व्यू पॉइंट तो ये है भाई। हम वहाँ पे पता नहीं क्या करने गए थे। यहाँ से समुंदर का पानी ना ऐसे लग रहा है जैसे कोई बर्फ जैसा ठंडा पानी होगा। इतना ठंडा वैसे होगा नहीं, अभी तक गर्मी ही है। बहुत खूबसूरत वाला नज़ारा है यार, और वहाँ पे यॉट्स ही यॉट्स हैं, और वो जेट स्की भी चल रही है। अब हमारे पास इतना जूम लेंस तो है नहीं, लेकिन उम्मीद है दिख रही होगी। जेट स्की के मजे लिए जा रहे हैं। यार यहाँ पे मुझे थोड़ा आहिस्ता चलना पड़ेगा, यहाँ से मैं जरा सा स्लिप हुआ ना अगर तो सीधा समुंदर में, और मुझे तैरना भी नहीं आता। फुल ऑन ग्रीन कलर का पानी है, ये सेम वही पानी दिखने में वही लग रहा है जो बस कहाँ था, दियोसोई। दियोसोई क्रॉस करने के बाद जो पानी था ये सेम वही पानी की मुझे याद आ गई है, लेकिन वो पानी ठंडा था, वो पानी साफ था, ये पानी नमक वाला है। ये समुंदर का पानी है, तो समुंदर का पानी जो होता है ना वो बहुत ज्यादा नमक वाला होता है। बट वहाँ पे मैंने 10-15 मिनट अपने वेस्ट किए हैं गर्मी में खड़े होकर। यहाँ पे छाऊं भी है और यहाँ पे व्यू भी है, यही व्यू वहाँ से वो लोग देख रहे हैं ऊपर, और हम थोड़ा अभी नीचे आ गए पैदल चल के।
बट जेट स्की, यार जेट स्की जो है ना, एक मोटरसाइकिल होता है और एक जेट स्की होती है, बस रोड पे मोटरसाइकिल, पानी में अगर मोटरसाइकिल का मजा चाहिए तो एक जेट स्की ले लो, बस जेट स्की होनी चाहिए यार लाइफ में, एक जेट स्की होनी चाहिए, देखेंगे कभी इंशाल्लाह। अभी फिलहाल मैं बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से स्लिप होकर मैं नीचे तो नहीं गिरूंगा, वैसे नीचे अभी पत्थर ही पत्थर है और समुद्र काफी दूर है, बट यहाँ पे जो आवाज है ना, पानी की आवाज को मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे यार। नींद सी आ गई है मुझे, ठंडी हवा चल रही है इस वजह से मुझे नींद सी आ गई है, मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं पे सो जाऊँ सच में। आई जस्ट लव दिस प्लेस। तो मेरे फ़ोन पे अजान की आवाज़, अजान हो चुकी है मगरिब की, अभी ऐसा व्यू हो और अजान की आवाज़ हो तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं चाहिए यार, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। ये जेट स्की अभी लोड होगी इस पिकअप में और लोड होकर वापस जाएगी अपने घर, और वो बोट भी निकल रही है, तो अभी बस शाम का टाइम हो गया, अभी सब वापस अपने घर की तरफ निकलेंगे, तो हमें भी ये व्यू छोड़ के अब वापस निकलना पड़ेगा यार। वैसे जाने का दिल तो नहीं कर रहा ऐसी जगह से, जी जाता यहाँ पे मैं एक दो घंटे तो बैठ ही जाऊँ, लेकिन यहाँ पे अंधेरे के बाद फिर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मैं अपने हेलमेट का वाइजर लेके आया हूँ वो अभी डार्क वाइजर है, और रोड पे लाइट्स भी नहीं है, आगे सिंगल रोड है काफी सारी, तो थोड़ी मुश्किल होगी मुझे चलाने में, लेकिन किसी तरह पहुंच जाएंगे यार। हमारी बाइक अभी तक यहीं पे सही सलामत, सही सलामत हमारी शहजादी अभी तक खड़ी है माशाल्लाह से हमारे इंतजार में, तो बस अभी वक्त आ गया कि इसको स्टार्ट किया जाए। इसका स्विच बंद ही नहीं किया था, ये देखो ऑन हो गया स्विच, बस बटन दबाओ स्टार्ट करो और ले जाओ, लेकिन कोई लेके नहीं गया। वाइजर में तो बिल्कुल डार्क डार्क लग रही है, बहुत कमती नजर आ रही है, लेकिन इस बाइक की जो लाइट है ना, इस लाइट ने कभी किसी और लाइट की कमी महसूस होने ही नहीं दी यार, इतनी परफेक्ट लाइट है इसकी, ये तुम लोगों को खुद दिख रहा होगा, मुझे डार्क वाइजर में लाइट में भी नजर नहीं आ रहा है, इवन थोड़ा खींच के रखेंगे क्योंकि अभी तेज चलना पड़ेगा भाई, अगर डिम कर दूं लाइट है सामने वाले डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लाइटें मैंने फुल ऑन रखी हुई थी, लेकिन इसकी जो लो लाइट है ना वो भी फुली लगती है, अभी देखो इसकी लो लाइट है ये। ये वो कच्चा ट्रैक है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जाता है सीधा वहां ऊपर तक, फ्रैपेचिनो ना हो तो फिर राइड का फायदा क्या। आज हमने लार्ज कैरमल फ्रैपेचिनो ली है, आज से पहले मीडियम से काम चलता था, लेकिन आज मैं काफी थक गया हूँ क्योंकि राइड बहुत जल्दी शुरू की थी, तो एक लार्ज कैरमल फ्रैपेचिनो तो बनती ही थी। बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं चलते चलते ही पी लूं, अंदर बैठ के मजा नहीं आ रहा था पीने का, तो अभी तक तो पीछे रश है, गाड़ियां हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी बंद हो जाएगा सब कुछ, 8 बजे फुल ऑन यहां पे रोड पे कोई गाड़ी नजर नहीं आने वाली, गारंटी है। टाइम तो हो गया है 7:08 बजे हो जाना है लॉकडाउन, हमारे पास है 1 घंटा घर पहुंचने के लिए, तो मैंने तो पहुंचना है 1 घंटे में घर, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब द चैनल, ओके।